सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। देश में कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण सभी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रेमी युगलों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके कन्नौज के प्रेमी युगल लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 महीने से ना तो एक दूसरे से मिल पाया और ना ही एक दूसरे को देख पाए। ऐसे में जब लड़की के परिजनों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी तो लड़की ने परिजनों के खिलाफ विरोध कर दिया और प्रेमी के पास जाने की मांग को लेकर परिजनों से अड़ गए। परिजन भी क्या करते, बेटी के आगे हार मान गए। अपनी बेटी को चौकी में ले जाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहां पर युवती ने पुलिस को अब पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने प्रेमी व उसके घर वालों को चौकी पर बुलाया, जहां पर प्रेमी व उसके परिवार वालों ने खुशी खुशी युवती को स्वीकार कर लिया। पुलिस के सामने चौकी के पास बने राधा कृष्ण मंदिर में दोनों प्रेमी युगलों की शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि छिबरामऊ क्षेत्र के चंदापुर निवासी विजय कुमार का गांव की ही युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी। वहीं जब अपने प्रेमी से शादी के बाद दोनों प्रेमी युगल काफी खुश दिखाई दिए। लॉकडाउन के चलते ही शादी में किसी तरह की धूमधाम नहीं हो सकी, लेकिन कन्नौज के इस प्रेमी युगल ने सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा। शादी के बाद युवती ने बताया कि मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी कराना चाह रहे थे, लेकिन हम अपने प्रेमी के साथ ही शादी करना चाहते थे। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे चौकी छोड़ गए। प्रेमी ने भी बड़ा दिल रखते हुए लड़की को तुरंत स्वीकार कर लिया। प्रेमी के पिता ने बताया कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, लड़की के घर वाले उसको चौकी पे छोड़ गए थे, जिसके बाद हमने उसको स्वीकार कर लिया है और अपनी बहू मान लिया। इस अनोखी शादी को देखकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अचानक कैसे शादी हुई? मेरा नाम वंदना है। मेरे घर वाले दूसरी जगह शादी करना चाहते थे लेकिन हम नहीं करना चाहते थे। हम जहाँ करना चाहते थे वहीं का कह रहे थे। मेरे घर वाले हमें चौकी पर छोड़ गए और हमने साईं मंदिर में शादी की। सरकार का पालन करते हुए इस बीमारी की वजह से हमने मतलब करना चाहते थे धूमधाम से शादी, इसलिए हमने बीमारी की वजह से हमने जल्दी शांतिपूर्वक कर ली। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरी फ्रेंडशिप के चलते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। इस बीच मैंने शादी करने का प्लान बनाया और अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन लड़की के घर वाले थे उन्होंने, जिसमें लड़की के घर वाले थाने में भी आए, उन्होंने धमकाया लड़की को और हमसे शादी करने की ना नहीं भी थी। और इस बीच मेरे पिताजी भी आए और उन्होंने कहा हम तो लड़की मतलब शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं थे। लड़की के घर वाले लड़की को डील लेके ले गए, फिर हमको शादी करनी पड़ी और शादी की साईं धाम मंदिर। अब आप लोग कहाँ हैं? अब इस समय हम मतलब चौकी पे हैं, चौकी इंचार्ज से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। क्या आपके घर वाले पूरी तरह संतुष्ट हैं शादी से? बिल्कुल, मेरे घर वाले पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अचानक शादी हुई? अचानक शादी क्या कि मान लो प्रेम व्यवहार थे, मान लो वो छोड़ गए। कहाँ छोड़ गए? चौकी पे। कौन छोड़ गया लड़की को? चौकी लड़की के पिता। तो घर वाले छोड़ गए तो हमने अपने बहू अपना ही शादी कर ली। शादी कहाँ की? मंदिर पे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।